प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के चलते विलंब होने से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को सभी वर्गों की परीक्षाएं करवाने के निर्देश दे दिए। सभी कॉलेज छात्रों में डर का माहौल हो गया है। ऐसे में आज SW24 न्यूज़ की टीम ने NSUI के जिला समन्वयक इंदौर मयंक खरे से विशेष चर्चा की। प्रदेश सरकार ने एक परीक्षा का निर्णय पूरी तरह से छात्रों के लिए चिंता का विषय। कोरोना महामारी के चलते सभी बाहरी छात्र अपने घर पहुँच चुके हैं। अगर परीक्षा ली जाती है और उससे संक्रमण का खतरा होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। बीते दिनों NSUI के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था और आवेदन दिया गया, सभी अध्ययनरत छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए या फिर उचित व्यवस्था की जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक खरे है। मैं NSUI इंदौर की जिला की कार्यकारिणी में जिला समन्वयक के रूप में कार्यरत हूँ। सर, लॉकडाउन 3 महीने हो चुके हैं और जितने भी छात्र हैं इंदौर और आसपास के ज़िलों में जो पलायन करने वाले थे वो सभी अपने घर पहुंच चुके हैं, और इसके बावजूद भी जो घर पहुंच रहे हैं उनका सिलसिला थम नहीं रहा है और प्रदेश सरकार इस पर किसी भी प्रकार की राहत नहीं दे रहा है। देखिए, प्रदेश सरकार को हम पहले भी मैसेज दे चुके हैं, आज भी मैसेज हम हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग विभिन्न ज़िलों के ज्ञापन के माध्यम से हम दे चुके हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि अलग अलग विभिन्न जिलों के छात्र जो अन्य जिलों में पढ़ते हैं, प्रमुख रूप से इंदौर जो आज मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब माना जाता है, वहाँ पर विभिन्न जिलों से छात्र रह रहे हैं और आज भी कई जिलों में अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में छात्रों का इंदौर में अकेले रहना, हॉस्टलों में रहना सही नहीं है। तो लॉकडाउन के इसमें शुरुआती दिनों में सरकार की तरफ से तो कोई सहयोग मिला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सहयोग मिल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी छात्रों को अपने अपने घर पहुँचाएँ। ये जो बीते दिनों प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया था, सभी छात्र जो कॉलेज छात्र हैं इन सब की परीक्षाएं की जाएगी और जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है, इससे संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ते जा रही है। देखिए, मैं पूर्व में भी कई जगह कई माध्यमों से मैं कह चुका हूँ, हमारे संगठन के द्वारा भी कई माध्यमों से ये कहा गया है कि जिस तरह की जल्दबाजी प्रदेश सरकार परीक्षा लेने के लिए कर रही है और हमारे कुलाधिपति गवर्नर महोदय जो जल्दबाजी कर रहे हैं वो इस समय पर ठीक नहीं है। आप आज भी देखेंगे तो रेड जोन जितने भी हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आज भी वहाँ पे 8-10% का रेशो बना हुआ है जहाँ पे मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो इतनी जल्दीबाजी करना, और आप कह रहे हैं कि आप अभी मात्र एक महीने के अंदर ही आप RGPV 15 दिन और DAVV एक महीने के अंदर ही एग्ज़ाम ले, तो इस तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं है। छात्रों के पास ना तो कई गरीब छात्र हैं जो सैनिटाइजेशन का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और क्या यदि किसी छात्र को संक्रमण होता है तो क्या प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या प्रदेश सरकार किसी छात्र की डेथ पर उनके अभिभावकों को क्या जवाब देगी? और जहाँ तक रही बात, मैंने कई अभिभावकों से भी चर्चा की तो उनका भी यही कहना है कि इतनी जल्दबाजी करना परीक्षाओं में अच्छी नहीं है। भले ही कुछ अभिभावकों ने तो इतना तक कहा कि हमारा बच्चे का साल भले ही बिगड़ जाए लेकिन हम जिंदगी नहीं बिगाड़ सकते। लॉकडाउन की अवधि तो चली रही है, इस प्रकार से NSUI किस प्रकार से छात्र हित के लिए कार्य कर रहा है? NSUI लॉकडाउन फर्स्ट के समय से ही छात्र हितों के कार्यों में लगातार लगा हुआ है। हमारे देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो किसी कोई सा भी स्टेट हो, सभी स्टेट्स में हमारे NSUI के कार्यकर्ता अपना सारा कार्य अच्छे रूप से निभा रहे हैं। हमारे छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन रोज़ सैकड़ों मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइज़र का बंटवारा हो रहा है। अभी दिल्ली में झोपड़ियों में आग लगी थी, वहाँ पर भी हमारे इधर से सहयोग पहुँचाया गया, राशन सामग्री तक हमको गरीबों को और जब ज़रूरतमंदों को पहुँचाई जा रही है। मजदूरों को भी हम लोग भोजन का बंटवारा हो रहा है। इवन हमारे मध्य प्रदेश में भी हर ज़िले की हेल्पलाइन हम लोगों ने लॉन्च किया है, उस हेल्पलाइन पर कोई भी संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकता है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की जाती है तो किस प्रकार से क्या तैयारियां हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो कहा जा रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। इवन आज के समय में कई गरीब छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, और कई अन्य संसाधन, नेटवर्क की समस्याएं एवं महंगे डाटा, इन सब समस्याओं के रहते हुए भी कई छात्र ना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगे ना ऑनलाइन क्लासेस एग्ज़ाम्स अटेंड कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो फरमान जारी किया है NSUI, उसका कड़ा विरोध करती है, और यदि आगे चलकर इसके ऊपर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो हम प्रदेशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ेंगे। छात्रों के लिए किस प्रकार का संदेश
आप देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सभी छात्रों को एवं मेरे सभी NSUI मध्य प्रदेश के साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो सेवाएं में लगे हुए हैं वो सेवाओं में सभी लगे रहें, एवं मध्य प्रदेश के छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि NSUI साल भर वर्ष भर आपकी छात्र हितों के लिए लड़ती रही है, और इस बार भी हम मध्य प्रदेश सरकार को यही कह रहे हैं, यही हमारा संदेश पहुँचाना चाहते हैं सभी छात्रों की तरफ से कि आपको इतनी जल्दबाजी एग्ज़ाम में नहीं करना है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आप जनरल प्रमोशन या परीक्षा को टाला जाए, इस तरह की आप योजना पर विचार करें एवं अभी इतनी जल्दबाजी परीक्षा करने में टालें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।